उदयपुर के पुलिस महकमे में उस समय हड़कंप मच गया जब सीकर के रहने वाले एक शख्स ने अपने पुत्र के गायब होने की शिकायत प्रदेश के मुखिया की सोशल साइट पर कर दी। सबसे बड़ी बात यह है कि उस शिकायत में उसके बेटे के कोरोना पॉजिटिव होने की बात लिखते हुए जयपुर में इलाज होने का हवाला भी दिया गया था। सीकर पुलिस ने कई जगह उसकी तलाश की और उदयपुर पुलिस को भी इसकी सूचना दी। जब उस युवक के नंबर ट्रेस किए गए तो प्रतापनगर थाना क्षेत्र के सुंदरवास में उन नंबर की लोकेशन गई। थानाधिकारी विवेक सिंह राव के नेतृत्व में पुलिस के जवानों और मेडिकल स्टाफ की टीम ने घर घर जाकर दौरा किया और उस युवक को पकड़ते हुए अपनी कस्टडी में ले लिया। इससे पहले टीम ने पूरी सतर्कता बरतते हुए पीपीई किट पहन लिया था। दरअसल सीकर पुलिस एवं प्रशासन से उदयपुर पुलिस को जानकारी मिली थी कि यूक्रेन से एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाला एक युवक सीकर आने वाला था, लेकिन इस बीच वह सीकर जाने के बजाय गायब हो गया। पुलिस ने इस युवक को कोरोना संदिग्ध मानते हुए पूरी सतर्कता बरतने के साथ ही एम्बुलेंस में हॉस्पिटल भिजवाया। हालांकि इस युवक का स्वास्थ्य अभी ठीक है और रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है, लेकिन एहतियात बरतते हुए उसे ओटीसी स्थित क्वारंटाइन हाउस में भिजवाया गया है। बहरहाल अभी सभी ने राहत की सांस ली है, लेकिन अचानक सुंदरवास इलाके में हुई इस कार्रवाई से सभी जगह सनसनी फैल गई, क्योंकि यह युवक लॉकडाउन के बाद से ही यहीं पर रह रहा था। जिस जगह यह युवक रह रहा था उस जगह उसकी मौसी का लड़का किराए पर रहता था और जो लॉकडाउन के चलते हुए अपने घर गया हुआ था। एक्शन प्लान पता चल गया, ठीक है, बेहतर मूव करेंगे आगे।